आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुक्रवार को अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। दीवानी न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे में पेशी के लिए वे सुल्तानपुर पहुंचे थे, हालांकि उस मामले में तारीख पड़ गई। वहीं इसके बाद वे नगर के एक निजी मैरिज हॉल में आप कार्यकर्ताओं से मिले और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का अनुरोध किया। वहीं मीडिया से रूबरू हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज शाम वे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के नाते वे अखिलेश से मुलाकात कर तमाम गठबंधन के प्रत्याशियों को जितवाने का अनुरोध करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि जहां जहां आप चुनाव नहीं लड़ रही है वहां वे सपा कांग्रेस सहित गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी भीम निषाद द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की गड्डी थमाने के मामले में उन्होंने अनभिज्ञता जताई। स्ट्रीट पल्स के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। आ जाइए भाई शेखर जी, भैया आज यहाँ आने का क्या मकसद है? देखिए, एक कोर्ट की तारीख भी थी पहले से, तो उसके बारे में भी वकील साहब ने बताया था कि आज रहना है, लेकिन उसमें अगली डेट पड़ गई है। और इसके साथ साथ कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है और आज ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से शाम को मुलाकात होगी। किस विषय पर मुलाकात होनी है? क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और हम लोगों ने ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने कि जहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव सीधे नहीं लड़ रही है वहाँ इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सीपीएम सीपीआई के हों, आरजेडी के हों, जेएमएम के हों, जहाँ हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहाँ उनको जिताने का काम करेंगे। भैया कल यहाँ पे एक वीडियो वायरल होता है सपा प्रत्याशी, मैंने देखा पैसा देते हुए, मैंने देखा नहीं वीडियो।